नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको दिखा रहे हैं रशियन ट्रैक्टर का स्पेयर पार्ट। जैसे ये इंजन रखा है, कौन से ट्रैक्टर का? ये T25 का है ना? ये T25 का इंजन है, बिल्कुल साफ इंजन है। और ये वाला वो भी T25 का रखा है। एक वो रखा भाई T25 का इंजन, ये T50 का है। ये T50 का जो चार सिलेंडर में आते थे, 50 HP होते थे। हाँ जी, हाँ जी। और ये महिंद्रा का बड़ा 265। अच्छा, तो 265 का नीचे का। और ये ट्यूब पे कौन सी है? जीटर 2011 जो चेको सुबह वो वाले थे। और ये करेंक, ये बलवान का, ये महिंद्रा की है। करेंक भी महिंद्रा की, इसी इंजन की होगी। अच्छा, टेम्पो बलवान का इंजन है। ये टेम्पो बलवान कौन से ट्रैक्टर का है? ये बलवान 400। बलवान 400, ये बलवान 400। जीटर के रिम पड़े हैं, जीटर के रिम भी पड़े हैं। जी जी जी। अच्छा, ये क्या है? टो टप्पा है, गियर बक्सा है इसका, शिफ्ट का गियर बक्सा। अच्छा, गाड़ी का गियर बक्सा है। गाड़ी का गियर बक्सा वगैरह। अच्छा, रशियन का ही दिखाओ आप। मैं तो हमें ये क्रैंक पूरा क्रैंक रखी हुई है। ये क्रैंक देखो भाई, रशियन ट्रैक्टर की क्रैंक के रखी हैं, तीन चार क्रैंक है। क्या है? कूलर। अच्छा, ये इंटर कूलर जो होता था, जो इसमें T25 वगैरह में लगा था। हाँ हाँ। और सामान, ये गियर बक्सा रखा है मेरे पास, सारा सामान रखा है। ये कौन सा गियर बक्सा? इसमें नीचे पड़ा सामान। अच्छा, गियर बक्से का सामान है। अच्छा, ये क्या है? सेल्फ वगैरह, पंप वगैरह है, अल्टरनेटर है, सेल्फ है, डीजल पंप हो गए, डीजल पंप वगैरह है, सारी चीजें हैं। मैं रोटावेटर का काम करता हूँ ना। अच्छा अच्छा, तो और ये इंजन किसका है? ये इंजन गुडरस है। गुडरस? आयशर गुडरस। अच्छा, गुडरस है। गुडरस आता है। हाँ, जो ओल्ड मॉडल के थे। ये वो है आयशर गुडरस। और इसके अलावा भी कोई स्पेयर पार्ट? ये क्लच प्लेट कौन सी पड़ी है? ये क्लच प्लेट रशियन पड़ी है, जीटर की। रशियन है, जीटर की है, T25 की। और भी वो एयर क्लीनर कौन से ट्रैक्टर का पीछे वाला? T25 का रखा है, 435 का पड़ा है। ये 435 है, वो T25 का, वो रशियन वाला। और कोई स्पेयर पार्ट हो? हाँ, अलग अलग चमक नहीं रहा काफी पड़ा वैसे तो। ये क्या चीज पड़ी है? ये उसकी रोटावेटर की गियर बॉक्स पड़ी है। बल्लड है, ये सारा सामान है। हाइड्रोलिक है जीटर की। अच्छा, जीटर की हाइड्रोलिक है, गियर बॉक्स है। चलो दोस्तों, अगर आपको जैसे मेन स्पेयर पार्ट हमें ये लगा, जैसे वो तो वहाँ पे तो दो तीन वो रखे हुए थे इंजन उसके T25 वगैरह के, और ये रशियन के जैसे सेल्फ वगैरह होगी और पंप हो गए, हाइड्रोलिक पंप हो गए, और जो है इसके डीजल पंप हो गए। इनमें से अगर कोई स्पेयर पार्ट आपको चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इनका एड्रेस दे देंगे, आप जाके आराम से ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्प्लीमेंट्स और उनके स्पेसिफिकेशन के साथ में। तब तक के लिए सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।